सो हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। इसके अलावा आज हम लोग कुछ बड़े बड़े एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए चलो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एनिमे अपडेट्स के बारे में। तो अल्टीमेट मसल जो है वो वापस आने वाला है अपने 40th एनिवर्सरी पर, और अभी तक सिर्फ इसके एनिमे अडैप्टेशन की ही अनाउंसमेंट हुई है, अभी तक इसकी रिलीज डेट नहीं बताई गई है। इसलिए चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जो है वो सोलो लेवलिंग को लेकर है, जिसको लेकर मुझे काफी सारे लोग जो है हमेशा पूछते रहते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोगों को भी सोलो लेवलिंग एनिमे के बारे में जानना है, तो मैं आप लोग बता दूं कि इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को 21 मार्च को पता चलेगी, जो कि आई गेस हो सकता है कि हम लोग को सोलो लेवलिंग की रिलीज डेट के बारे में कुछ पता चले। बट जैसे ही सोलो लेवलिंग एनिमे को मुझे कुछ अपडेट पता चलेगा, वैसे ही मैं आप लोग बता दूंगा। इसके अलावा हम लोग बात करें पोकेमोन के अपडेट के बारे में, तो पोकेमोन जर्नी जो है वो अपने एंड पे आ चुकी है। मतलब जो हम लोग एस के जो स्पेशल एपिसोड देखने को मिल रहे थे, अब उसका फाइनल एपिसोड जो है वो हम लोग को मार्च 24 को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये एस का लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो इसलिए जापान में इस एपिसोड का प्रमोशन भी चल रहा है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। एंड ये ऐश का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जो कि हम लोग को देखने को मिलने वाला है 24 मार्च को, जिसको देखने के बाद मैं यार काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला हूँ, क्योंकि ऐश के साथ मेरा बचपन का कनेक्शन था। ऐश ने ही मुझे बचपन में सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है, और अब ऐश को आखिरी बार पोकेमोन के एपिसोड में देखने वाला हूँ, तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। बट अब आप लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो ऐश और पिकाचू के लास्ट एपिसोड के बारे में। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो डिस्कवरी किड्स के ऊपर बहुत जल्द आने वाला है मिस्टर बीन। हाँ, आप लोग ने सही सुना, मिस्टर बीन जो है वो पहले पोको के ऊपर आया करता था, पर जैसा हम लोग को पता है कि डिस्कवरी किड्स भी अब कार्टून नेटवर्क के अंडर आ चुका है, और इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि लिटिल सिंघम जैसा शो जो है वो पोको के ऊपर स्टार्ट हो गया। इसलिए डिस्कवरी किड्स के ऊपर अब पोको का शो स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है मिस्टर बीन। अब मिस्टर बीन आने वाला है, इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मिस्टर बीन जो है वो काफी अच्छा शो है। ऊपर से डिस्कवरी किड्स जो है वो बहुत टाइम बाद एक इतना अच्छा शो ला रहे हैं। हालांकि शो को देखने में मुझे पोको में ज्यादा मजा आता था, लेकिन आप लोगों की ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता देना। एंड इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है ईटीवी बाल भारत को लेकर, क्योंकि ईटीवी बाल भारत जो है बहुत जल्द एक नया शो लाने वाले हैं, और ये शो हम सभी का बचपन में फेवरेट हुआ करता था, और इस शो का नाम है द स्पंज बॉब। और ये शो जो है बहुत जल्द आने वाला है ईटीवी बाल भारत के ऊपर। बड़ा बहुत सारे लोग जो है वो ये पूछ रहे हैं कि स्पंज बॉब जो है वो हम लोगों को ओल्ड डब में देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि पहले स्पंज बॉब जो है वो हम लोग को हिंदी डब में निक पे देखने को मिलता था, और शायद हो सकता है कि स्पंज बॉब की जो है वो हम लोग को न्यू हिंदी डबिंग देखने को मिले ईटीवी बाल भारत के ऊपर। तो अब देखते हैं ईटीवी बाल भारत जो है वो इस शो को लाने के बाद इसकी कैसी डबिंग करते हैं। बट इसके अलावा हम लोग बात करें अब डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर के बारे में, जो कि मैंने कल देख ली अपने दोस्तों के साथ गया था। और इसके अलावा जब मैं थिएटर के अंदर गया, तब मैंने वहां पे एक चीज को नोटिस किया कि वहां के जो स्टाफ थे वो किसी से भी आधार कार्ड या फिर कोई प्रूफ नहीं मांग रहे थे कि आप लोग अंडर एज हो तो आप लोग नहीं जा सकते हो। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि आप लोग भी अपने नजदीकी पीवीआरएस में चल जाना देखने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके नजदीकी थिएटर्स में जो है वो आप लोगों से पूछताछ हो जाए कि आप लोग की आईडी या फिर आधार कार्ड कुछ भी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। हालांकि बहुत सारे लोग जो है मित्सुरी को बदनाम कर रहे थे, इवन मैंने भी मित्सुरी को कहा था कि हमारे लव हाशरा की वजह से जो पूरा मूवी है वो ए रेटेड हो गया। बट सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग को देखने मिला इस मूवी के अंदर। मतलब देखने को मिला था वासीन, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत कम सेकंड्स के लिए था, और अगर उस कुछ सेकंड्स के सीन्स के लिए पूरी मूवी को एरेटेड किया गया है तब ये काफी ज्यादा बुरी बात है। बट फिर भी मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि इस मूवी को जो एरेटेड सर्टिफिकेशन मिला है वो बिल्कुल गलत है। इस मूवी को यूएस सर्टिफिकेशन मिलता है तो ज्यादा बेटर होता है। इसके अलावा मैं आप लोग वादा करता हूँ कि मैं आप लोग को अटैक ऑन टाइटन की तरह डीमन स्लेयर सीजन 3 को स्पॉइल नहीं करूंगा। बट इतना कहूंगा कि मित्सुरी वासीन के अलावा भी हम लोग काफी कुछ देखने मिला है, जैसे टेंगेन और ग्योतारो की फाइट। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस फाइट को देख रखा है पहले ही, बट थिएटर में आप लोगों को अलग एक्सपीरियंस होगा अगर आप लोग टेंगेन और ग्योतारो की फाइट देखोगे तो। एंड इसके अलावा अपर मून की मीटिंग, जो कि नेक्स्ट लेवल की मीटिंग थी, मतलब जो हम लोग को इन्फिनाइट कैसल देखने मिला था, और फिर अकाजा की एंट्री हुई, मतलब वाला जो पूरा सीन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एनिमेट किया गया था। और इसके अलावा हम सभी का फेवरेट डीमन कोकुशिबो भी हम लोग को देखने मिला। बट इसके अलावा मेरी एक शिकायत है कि जैसे ही हम लोग थिएटर में कोई मूवी देखने जाते हैं, स्पेशली एनिमे की मूवी देखने जाते हैं, तब यार वहां पे सब ओनीचान या फिर यामाते कुदसाई कुछ ऐसी बकवास करते रहते सब, जो कि काफी ज्यादा टू बी ऑनेस्ट अजीब लगता है ऐसे लोग जब बोलते हैं तब। और ऑडियंस की ये चीज और बढ़ गई थी जब हम लोग को मित्सुरी और बासिन देखने मिला था कुछ सेकंड वाला, उस टाइम भी लोग जो है वो यही सब चीजें बोल रहे थे, जो कि अब मैं कहूंगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छा था। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मूवी जो है वो पूरी तरीके से वर्थ इट थी, बट ऐसा भी नहीं है कि मूवी जो है वो आप लोगों को डिसअपॉइंट करेगी। हालांकि मैं इसे बार बार मूवी कह रहा हूँ, बट ये मूवी है नहीं, ये 3 एपिसोड का बस कॉम्पाइलेशन है जो कि हम लोग को थिएटर में देखने को मिला। बट फिर भी अगर आप लोगों ने डीमन स्लेयर सीजन 3 की मूवी को देखा है थिएटर में, तब आप लोग अपना एक्सपीरियंस जाके मुझे जरूर शेयर कर देना है। इसके अलावा हम लोग बात करें हंगामा के शेड्यूल्स के बारे में, तो कल हम लोगों को पोकेमोन मूवी आप सेलेक्टेड और देखने को मिला था, जो कि मैंने कल मिस कर दी थी डीमन स्लेयर सीजन 3 को देखने की वजह से। बट ये मूवी जो है वो आज हम लोग को फिर यानी संडे को 10:30 बजे सुबह में हंगामा के ऊपर देखने को मिलेगी, और इस वीडियो को जब तक मैं डालूंगा बना के तब तक शायद ये मूवी जो है वो खत्म भी हो जाए। बट जैसे ही हंगामा जो है उसकी और रिपीट टेलीकास्ट टाइमिंग निकालेंगे, वैसे ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट इसके अलावा हंगामा ने एक और शो को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है हीरो भक्ति ही शक्ति है। और इस शो का नाम लेने के बाद ही मुझे नॉस्टैल्जिया ऐसी फीलिंग आने लगी, क्योंकि इस शो या फिर तुम इसे कह सकते हो सीरियल, इस सीरियल को देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता था बचपन में, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर था हीरो जो कि अंगूठी पहनता
रहता था तो वो सुपर हीरो बन जाता था। और ये शो जो है बचपन में काफी ज्यादा देखा करता था। बट अगर आप लोगों ने भी शो को अपने बचपन में देखा है तब आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। इसके अलावा हम लोग बात करें सोनी के छोटे से अपडेट के बारे में, तो सोनी ने नरूटो के मर्चेंडाइज जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और अब शायद हो सकता है कि सोनी जो है वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस और हनी बनी के अलावा भी अब नरूटो के मर्चेंडाइज की एडवर्टाइजमेंट करे अपने चैनल के ऊपर। इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। तो हम लोगों ने काफी टाइम पहले बात किया था कि ड्रैगन बॉल सुपर का जो न्यू वेब एनिमे होने वाला है वो हम लोग को दिसंबर के टाइम में अनाउंस होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिसंबर में ये एनिमे जो है वो डिले ही हो गया है और उसके बाद से इस एनिमे के बारे में मैंने बात ही करना बंद कर दिया। बट हम लोग को फिर कुछ सोर्सेज और रूमर्स के हिसाब से पता चला है कि ये जो न्यू एनिमे होने वाला है ड्रैगन बॉल सुपर का, इस एनिमे की अनाउंसमेंट जो है वो हम लोग को समर्स में टाइम में देखने को मिल जाएगा। और समर्स का मतलब है मई जून जुलाई के टाइम में हम लोग को इसकी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ड्रैगन बॉल सुपर की न्यू एनिमे को लेकर, आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। एंड इसके अलावा बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।